एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पढ़ रहे थे सीपीसी में, जो कि ऑर्डर 21 है। उस ऑर्डर 21 में हमने कल स्टॉप किया था 300 के। रूल 15 तक हमने कवर किया था, रूल 15 कंप्लीट करके हमने स्टॉप किया था। नेक्स्ट रूल है रूल 16। रूल 16 है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफर या डिक्री के, जिसको डिक्री ट्रांसफ़र कर दी गई है तो वो ट्रांसफरी जिसकी फेवर में ट्रांसफ़र हुई है वो ट्रांसफरी भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। इस एक तो ट्रांसफरी कोर्ट है, एक यहाँ जो ट्रांसफरी की बात हो रही है वो ट्रांसफरी पर्सन है, मीन्स डिक्री होल्डर की जो डिक्री है वो डिक्री होल्डर से ट्रांसफर हो गई है किसी और को। और ये ट्रांसफर दो तरह की है, एक है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और दूसरी है बाय वे ऑफ असाइनमेंट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से मतलब है कि मसलन डिक्री होल्डर की डेथ हो गई, डिक्री होल्डर की डेथ के नतीजे में वो इनहेरिट हो गई, ट्रांसफर हो गई जो अदर सक्सेसर्स हैं उनको, एक तरीका ये है। और बाय असाइनमेंट ऑफ लॉ से मतलब बाय असाइनमेंट जो है निकाप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो ऑपरेशन ऑफ लॉ का ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिक्री होल्डर की डेथ हो गई और वो ट्रांसफ़र हो गई उनके सक्सेसर्स को। और बाय असाइनमेंट इन राइटिंग से मतलब है कि डिक्री होल्डर ने राइटिंग में कोई सेटलमेंट कोई एडजस्टमेंट करके किसी और को डिक्री जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, उससे हो सकता है उसने जो भी बेनिफिट लिए है वो एक अलग बात है। तब रूल 16 बता रहा है कि वेयर डिक्री और इफ ए डिक्री हैज बीन पास्ड जॉइंटली इन फेवर ऑफ टू और मोर पर्सन, द इंटरेस्ट ऑफ एनी डिक्री होल्डर इन द डिक्री इज ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट इन राइटिंग और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द ट्रांसफरी मे अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री टू द कोर्ट विच पास्ड इट। तो डिक्री चाहे एक डिक्री होल्डर जो है वो एक पर्सन है या डिक्री जो पास हुई है एक या एक से ज्यादा लोगों के फेवर में पास हुई है, और वो जो डिक्री होल्डर है वो डिक्री होल्डर अगर सिर्फ अकेला है तो अकेला, या कंबाइंड डिक्री होल्डर है तो अपना जो इंटरेस्ट है वो उसका इंटरेस्ट जो है डिक्री में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है बाय द असाइनमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जिसकी फेवर में ट्रांसफर हुआ है वो इंटरेस्ट, डिक्री में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर ही भी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि ये डिक्री उसकी फेवर में एग्जीक्यूट की जाए। कहाँ अप्लाई करेगा? उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है। एंड द डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन एज इफ द एप्लीकेंट वर मेड बाय सच डिक्री होल्डर, द एप्लीकेशन वर मेड बाय सच डिक्री होल्डर। तो ये जो एग्जीक्यूशन होगी डिक्री की वो बिल्कुल सेम तरीके से होगी जिस तरह से ओरिजिनल जो डिक्री होल्डर है उसने अप्लाई किया हो, और ये यूं ही समझा जाएगा कि ओरिजिनल डिक्री होल्डर ने ही अप्लाई किया है। Provided that where the decree or such interest as aforesaid has been transferred by assignment, notice of such application shall be given to the transferor and the judgment debtor. अगर जो डिक्री ट्रांसफर हुई है वो बाय असाइनमेंट हुई है और वो जो असाइनी है जिसकी फेवर में डिक्री ट्रांसफर हुई है, इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, वो जब एप्लीकेशन मूव करता है अप्लाई करता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो उस एप्लीकेशन के बिना पर जो ओरिजिनल डिक्री होल्डर है उस ओरिजिनल डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर दोनों को नोटिस दिया जाएगा।
and the decree shall not be executed until the court has heard their objection, if any, through its execution. और उस वक्त तक वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक इस एप्लीकेशन पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सुन न लिया जाए, जैसा कि इस एप्लीकेशन पर नोटिस दिया गया है पार्टीज को, डिक्री होल्डर को और जजमेंट डेप्टर को, तो लिहाजा उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो जब तक वो ऑब्जेक्शन न सुना जाए। Provided also that where a decree for the payment of money against two or more persons has been transferred to one of them, it shall not be executed against the others. क्या करे जो डिक्री है और डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी अगेंस्ट टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के खिलाफ डिक्री पास की हुई है और वो डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, और वो उनमें से किसी एक को डिक्री ट्रांसफर हो गई है, उनमें से किसी एक को डिक्री ट्रांसफर हो गई है जो कि हमने पढ़ा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय असाइनमेंट, तो प्रोविजो बता रहा है कि अदर्स के अगेंस्ट डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रोविजो जो मैसेज में सवाल पूछा गया समझ में नहीं आया, वो गालिबन सेकंड प्रोविजो ही होगा जो समझ में नहीं आया आया होगा, क्योंकि सेकंड प्रोविजो कह रहा था कि अगर डिक्री जो है वो डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये है कि डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी की बात है, अदर डिक्रीज की बात नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट ये है कि वो डिक्री है अगेंस्ट टू और मोर पर्सन, मीन्स जजमेंट डेप्टर जो है वो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो
ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि उन जजमेंट चैप्टर में से किसी एक को डिग्री ट्रांसफर हो गई है, जो कि ट्रांसफर ऑफ द डिग्री जस्ट अभी हमने पढ़ा कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ था और बाय असाइनमेंट था। तो किसी भी तरह से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय असाइनमेंट डिग्री ट्रांसफर हो गई है उन जजमेंट चैप्टर में से किसी एक को, ये थर्ड पॉइंट है। यहाँ तक ये सिचुएशन है। अब ये प्रोविजो बता रहा है कि इस सूरत में बाकी जो रिमेनिंग मीन्स अब पोजीशन क्या होगी कि एक जजमेंट डेप्टर साइमल्टेनियसली जजमेंट डेप्टर भी है तो डिग्री होल्डर भी है क्योंकि उसको डिग्री ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो अब ये प्रोविजो बता रहा है कि ऐसी सूरत में जो रिमेनिंग अदर जजमेंट डेप्टर्स है उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। रीजंस क्या है कि जब मतलब डिग्री क्या थी अगेंस्ट टू और मोर देन 2% थी ना, और ये जॉइंट लायबिलिटी थी। जब जॉइंट लायबिलिटी में से किस जॉइंट लायबिलिटी थी और उनमें से एक की लायबिलिटी जब खत्म हो गई है, जिस प्रिंसिपल पर ये प्रोविजो मेंशन किया गया है वो प्रिंसिपल ये है कि जब एक की लायबिलिटी खत्म हो गई है तो फिर दूसरों के खिलाफ भी वो लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जा सकती, इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के बिना पर यह बताया गया है कि अगर डिग्री इज अगेंस्ट टू और मोर पर्सन एंड द डिग्री इज ट्रांसफर टू वन ऑफ देम, तो दैट केस इन दैट सिचुएशन इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द रिमेनिंग जजमेंट डेप्टर। इसके बाद हम आते हैं रूल 17 पे कि प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, कि कोर्ट को जब एप्लीकेशन मिली है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए तो कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री एज प्रोवाइडेड बाय रूल 11 सब रूल 2, The court shall ascertain whether such of the requirements of rules 11 to 14 as may be applicable to the case has been complied with. हमने कल पढ़ा था रूल 11, जिसमें तरीका बताया गया था, दो ऑप्शन थे, एक ओरल की और राइटिंग वाली बात है। अब रूल 17 बता रहा है कि जब एप्लीकेशन मिली है राइटिंग में सब रूल 11 के सब रूल 2 के तहत जो कि राइटिंग में है, तो ये रूल 17 बता रहा है कि कोर्ट उसमें असर्टेन करेगी कि रूल 11 की जो रिक्वायरमेंट है 11 टू 14 वो रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट हो गई है या नहीं, कंप्लीट की गई है या नहीं। एंड इफ दे हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद द कोर्ट में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं है तो कोर्ट वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। रूल 11 में तो था कि एक ओरल और दूसरा राइटिंग, और सेकंड पार्ट जो था राइटिंग में था, और रूल 17 जो बात कर रहा है जिस पार्टी पार्ट की वो राइटिंग वाली बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 12, 13 और 14 क्या है कि जो डिक्री है वो डिक्री अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो उसके हवाले से डिटेल, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से तो उसके हवाले से डिटेल, और अगर कोई ज़मीन वगैरह है तो उसके एक्सपेक्ट्स, ये सारे उसमें मेंशन होना चाहिए। तो कोर्ट को जब एप्लीकेशन मिलेगी तो कोर्ट वो देखेगी कि इनकी कंप्लायंस की हुई है या नहीं है, अगर कंप्लायंस नहीं है तो कोर्ट ये एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, और मे अलो द डिफेक्ट टू बी रिमेडीड देन एंड देयर और विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बाय इट। या ये कि कोर्ट टाइम भी दे सकती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इन ये जो डिफेक्ट्स हैं ये रिमूव कर दिए जाएं और प्रॉपर कंप्लायंस कर दी जाए। वेयर एन एप्लीकेशन इज अमेंडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एन एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जब एप्लीकेशन अमेंड कर दी गई है सब रूल 1 अमेंडमेंट के हवाले से बता रहा है ना कि कोर्ट उसको टाइम देगी और वो रिमूव डिफेक्ट रिमूव करने के लिए लिहाजा एप्लीकेशन अमेंड होगी।
ये अमेंडमेंट के बाद भी जो एप्लीकेशन है वो, ये एप्लीकेशन का स्टेटस ये होगा कि वो समझा जाएगा कि वो कानून के मुताबिक सही एप्लीकेशन है एंड प्रेजेंटेड ऑन द डेट व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड, और समझा जाएगा कि ये उस दिन प्रेजेंट हो गई थी जिस दिन फर्स्टली प्रेजेंट हो गई थी। उस दिन से मतलब है कि अब तो अमेंडमेंट हो गई है ना, अमेंडमेंट तो बाद में हुई है कोर्ट के पॉइंटेशन के बाद, लेकिन फिर भी ये समझा जाएगा कि बिल्कुल उस दिन पर ही ये इस तरह से ही एप्लीकेशन थी। एवरी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल बी साइंड और इनिशियल्ड बाय द जज, जो अमेंडमेंट की गई है उस अमेंडमेंट को इनिशियल या साइन करेगा जज। When the application is admitted, the court shall enter in the proper register a note of the application and the date on which it was made. जब एप्लीकेशन एडमिट कर दी गई तो कोर्ट जो प्रॉपर रजिस्टर है उस रजिस्टर में एप्लीकेशन का नोट लगेंगे कि ये एप्लीकेशन फाइल हुई है और ये कि कौन सी तारीख पर ये एप्लीकेशन फाइल की गई। And shall subject to the proven here and after content order execution of the decree according to the nature of the application. अब डिपेंड करता है एप्लीकेशन की नेचर क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए और आगे आने वाले जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके उनकी कंडीशंस के साथ उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करेगी। Provided that in the case of a decree for the payment of money, the value of the property attached shall as nearly as may be correspond with the amount due under the decree. अगर जो decree है वो for the payment of money है तो उस payment of the money वाली decree की execution के लिए अगर court property attach करती है तो उस अटैचमेंट में वो डिक्री का जो अमाउंट है, वो डिक्री का अमाउंट और अटैचमेंट की जो 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 प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है उसकी वैल्यू दोनों को मद्देनजर रखेगी और ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों करेस्पॉन्ड करें। ऐसा नहीं है कि 5 लाख की डिग्री है और 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए 5 लाख की डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि 5 करोड़ की डिग्री एग्जीक्यूट होना हो और कोर्ट जो है वो 5 लाख वाली प्रॉपर्टी अटैच करे। तो जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो करेस्पॉन्ड करना चाहिए विद द वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ द डिक्री। और टाइम भी, सेशन का टाइम भी और क्लास का टाइम भी एक्सपायर हो रहा है, हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे सेशन। 2 मिनट बाकी है, अगर किसी का सवाल हो तो पूछ लें।